हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू roshniscuisine। आज हम लोग बनाने वाले हैं स्वीट मैंगो पिकल, आम का खट्टा मीठा अचार। अभी ये सीजन भी चल रहा है तो मैंने यहाँ पे दो कच्चे आम ले लिया है और इसको हम लोग छील के चंक्स में कट कर लेंगे। ये वाला आपका आराम से बहुत दिन तक रह जाएगा और बहुत इजीली बन जाता है। ये मैंने मेरी फ्रेंड लिप्सा को टेस्ट करवाया था, उसको बहुत पसंद आया, तो उसकी मेड को उसने टेस्ट करवाया तो उसको इतना पसंद आया उसने अपने घर पे बनाया। तो देखिए, इंडिया का खाना इंडोनेशिया में भी फेमस हो गया है। और अब इसमें मैं सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी, जैसे नमक हो गया, हल्दी, फिर रेड चिली पाउडर, और कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा कलर के लिए, और इसका स्पाइसनेस थोड़ा कम रहता है। और लास्ट में मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। शुगर की क्वांटिटी आम के खट्टे के ऊपर आपका डिपेंड करता है और आपको कितना मीठा पसंद है। ये सबको अच्छे से मिला के हम लोग ढक के रख देंगे 3 से 4 घंटा। और यहाँ पर मैंने मेथी और सौंफ को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर दिया है इससे, और मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी लिया है तो ग्राइंड करने में ईजी होगा। और लास्ट में मैंने थोड़ा हींग ऐड किया है। और यहाँ पे देखिए, हमारा ये 3 से 4 घंटे के बाद सारा पानी निकल गया है, आम का जूस निकल गया है, और इसको मैंने अभी कुक करने के लिए रख दिया है। पहले आप थोड़ा सा फ्लेम हाई रखिए, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एक उबाल आना शुरू हो जाएगा तो हम लोग फ्लेम लो टू मीडियम कर लेंगे। ये जो मेथी और सौंफ का मैंने पाउडर बनाया था ये मैं लास्ट में ऐड करूँगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया रहता है। ये मेरी छोटी मामी ने ये टिप दिया था। अब ये कुक हो गया है, कितना गाढ़ा बन गया है ये। और यहाँ पे मैं अभी ये पाउडर ऐड कर रही हूँ, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया था तो ग्राइंड करने में इजी होगा और आप नेक्स्ट टाइम के लिए भी ये यूज कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा कलौंजी ऐड किया, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। बस ये हमारा खट्टा मीठा अचार बन गया है। आप ये पराठा रोटी के साथ एंजॉय कीजिए, पूरी के साथ भी बहुत बढ़िया लगता है, चटपटा लगता है। आप ये बनाइए और मुझे बताइए कि आपका ये कैसे बना अचार।